नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, हर घर की यही कहानी है। राजधानी रांची में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। सर्दी का सितम है, बारिश ने तेजी और सर्दी में ला दी है, लेकिन गर्मी जैसा हाल है। पानी की कमी की बात करते हैं हम अगर तो, और लोग की परेशानी ऐसी है कि अब फ्लैट शिफ्ट करने लगे हैं। 40 लाख का फ्लैट लिया ये सोचकर कि बेहतर आशियाना होगा, लेकिन पानी की कमी की वजह से उस फ्लैट में रहना दूभर हो गया है और ये परेशानी बढ़ती जा रही है। जिस रफ्तार से परेशानी बढ़ती जा रही है वो एक खौफनाक हालात की तस्वीर पेश कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी भी नहीं रहता है, फिर सुबह से उठ के पानी भरना पड़ता है। वाटर बोतल में पानी मिलता है? नहीं, आज तो नहीं मिला था क्योंकि आज तो पानी ही नहीं था। बच्ची को स्कूल जाते वक्त घर से पानी नहीं मिला। शुक्र है स्कूल में पानी था, लेकिन पानी के लिए क्या परेशानी हो रही है ये घर में रहने वाली कोई महिला बेहतर बता सकती है। हम जब यहाँ पर आए थे तब इतना पानी का दिक्कत शुरुआत में नहीं था। हम आए 2012 में, 13 से हम लोग का शायद पानी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तब से लगातार चल रहा है पानी का प्रॉब्लम। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो पूरा पूरी हम लोग का टैंकर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। टैंकर पानी देगा तो ही हम लोग का पानी का पूरा काम हम लोग कर पाते, नहीं तो फिर खरीदना पड़ता है बाहर से हम लोग का, वो 20 लीटर का जार खरीदना पड़ता है। लेकिन और कुछ तो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। पानी के लिए घंटों इंतजार करना होता है, अधिकतर तो बाजार के पानी से ही काम चलाना पड़ता है। मेहमान भी आना बंद है, सब बोलता है वहाँ क्या जाओगे, वहाँ तो पानी ही नहीं है। बात सिर्फ रांची के किसी एक अपार्टमेंट की नहीं, हर इलाके में हालात लगभग एक जैसे हैं। दरअसल जमीन के अंदर का पानी तेजी से खत्म होता जा रहा है। जो अपार्टमेंट का कल्चर आया है तब से हर कोई जो है वो डीप बोरिंग कर रहा है, जिसके चलते आज ये स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि दो डीप बोरिंग के बीच में करीबन 500 से 800 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 5 मीटर की दूरी है। तो जब हम इतना अधिक विड्रॉवल करेंगे वाटर को, अब वाटर उतना जाएगा नहीं बरसात का जल नीचे, नेचुरली की वाटर स्कर्सिटी होगा। जाहिर है सर्दी में जल संकट ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या रांची वासियों के संकट का सिस्टम के पास कोई समाधान नहीं। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। जरूर आप भी जुड़िए इस मुहिम के साथ, क्योंकि सवाल उस जल का है जो जीवन है, लेकिन जल ही खत्म होता जा रहा है और उस जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। राजधानी रांची का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। गर्मी के दस्तक देने से पहले कई क्षेत्र ड्राई जोन में तब्दील हो चुके हैं। पाताल लोक में पानी चले जाने से टैगोर हिल में बसे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार ने यहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। 40 लाख का फ्लैट और 30,000 मासिक पानी का बिल, जी हाँ, कुछ ये हकीकत है टैगोर हिल से सटे या उसके आसपास स्थित अपार्टमेंटों का। आप देख सकते हैं हमारे साथ आसपास के अपार्टमेंट के, अभी मैं दिव्यांजलि अपार्टमेंट में खड़ा हूँ, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जब बात करते हैं क्या समस्या क्या है भाभी? पानी ही नहीं है, एकदम ही पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बरसात में आता है पानी, उसके बाद नहीं आता है। 2-3 महीना पानी रहता है, फिर साल भर आज खाना नहीं बना हम लोगों का। आप बताइए। पानी नहीं है, बाहर से खाना पड़ा। कैसे काम करता है? खरीद के टैंकर से पानी। कितना पानी? 2,000 खरीदाता है टैंकर का, रोज आता है एक टैंकर। घर का काम कैसे करते हैं, जो डेली यूज का काम है, नहाना, कपड़े धोना? खरीदो, बिस्लेरी से यूज करो, बिस्लेरी से सारा काम है, बाथरूम है, कपड़ा है, जो भी है, कभी 8 बोतल, कभी 10 बोतल, जो भी आता है सेल्समैन उसे लो, उससे काम करो। कि बेटा स्कूल जाते हो, कितनी प्रॉब्लम होती है सुबह जाने में? बहुत प्रॉब्लम होती है, नहाने के लिए पानी भी नहीं रहता है, फिर सुबह से उठ के पानी भरना पड़ता है। बच्ची को आज पीने के लिए वाटर बोतल में पानी नहीं मिला। तो ये हालात है, और कुछ और लोगों की बात भी हम आपको सुनवाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे उन बातों को सुनकर कि उन्होंने बड़े अरमान से ये फ्लैट खरीदा, लेकिन आज ये हालात हैं कि वो उस फ्लैट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की उनके पास मजबूरी है। अंदाजा लगाइए। हमारे साथ टीएन मिश्रा साहब भूगर्भ वैज्ञानिक हैं रांची स्टूडियो से, और साथ ही आशुतोष जिन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी है रांची से जुड़े हैं, और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। आशुतोष, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, आपके साथ कुछ लोग भी हैं और आप उस जगह पर भी हैं जहाँ ये दिक्कत है, और रांची में कई जगह ऐसे हैं जहाँ
बोरिंग के बावजूद भी पानी नहीं निकल पा रहा है। सवाल है कि क्या इस संकट का समाधान लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा? जी सुमिता, बिल्कुल सही बात है कि रांची जिस तरह से ड्राई जोन में परिवर्तित होते जा रहा है, ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर क्या करें राजधानी वासी। हमारे साथ अभी मैं टैगोर हिल के पास कुछ जो अपार्टमेंट है, यहाँ करीब आधे दर्जन से ज्यादा अपार्टमेंट है, यहाँ कहे कि ये पूरा जो मोहल्ला है ये पूरा लगभग ड्राई जोन में आता है, पानी एक बूंद नहीं है। हर महीने कहा जाए कि किसी न किसी अपार्टमेंट में एक बोरिंग हो रहा है, लेकिन बोरिंग में पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है, पूरा ड्राई है, केवल डस्ट निकल रहा है। हमारे साथ अपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये ज्यादा वस्तुस्थिति बता पाएंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम है, किस तरह से है? आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। कितनी प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है पानी की, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं हम लोग, और बोरिंग का पानी भी गया, टैंकर के भरोसे हम लोग हैं। टैंकर जिस दिन नहीं आता है तो उस दिन फिर हम लोग को जार का पानी लेना पड़ता है, और बहुत सोच समझ के उस पानी को यूज़ करना होता है, इसलिए बहुत मतलब किल्लत हो गई है पानी की। तो जैसा कि सुमित आपने सुना कि पानी की किल्लत है, जिस दिन टैंकर मंगवाते हैं, अगर टैंकर आते हैं आपके पास, क्योंकि कुछ बच्चे बच्चियां भी हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं वो बेहतर बता पाएंगे उनके साथ क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन टीएन मिश्रा साहब, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है रांची में? गर्मी अभी बहुत दूर है, बल्कि ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। इस ठंड में पानी की कमी ने पसीने छुड़ा दिए हैं लोगों को। ये देखिए, सबसे बड़ी जो कारण है इसका, ये क्राइसिस का, जो आज के सिचुएशन में हर घर में जो समस्याएं हो रही हैं, तो ये क्यों हुआ ऐसा? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका 1991 का सेंसस के रिपोर्ट के अनुसार आपका 6 लाख की आबादी थी रांची में, आज करीब 14-15 लाख हो गई है। जो जो जल स्रोत, जो वाटर सरफेस रिजर्वायर थे, जैसे हटिया, कांके, रुका, वो उस टाइम सफिशिएंट थे। अब बाकी के लोगों के लिए पानी मुहैया करना फ्रॉम सरफेस वाटर रिजर्वायर, तो क्या है, उसका पूरा प्रेशर तो ग्राउंड वाटर पर जा रहा है। बिना पानी के तो जीना माने जल ही जीवन है, वो कहा हुआ है, बिल्कुल। तो बिना पानी के तो चलेगा नहीं, तो लोग क्या करें, डीप बोरिंग करते हैं, इलीगल ये करते हैं, इंटरवल का ख्याल नहीं करते हैं। दूसरा कारण है कि ये पॉपुलेशन के अनुसार जो रिक्वायरमेंट बढ़े, रिचार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, मैं आता हूँ सर। व्यवस्था सवाल है कि क्या लोग खुद ही करें या फिर इसमें सरकार और प्रशासन की कोई भूमिका है भी? वो क्या कर रहे हैं और वो उन्होंने क्या किया जब इलीगल डीप बोरिंग होता रहा? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की? आशुतोष, हम चाहेंगे वहाँ मौजूद लोगों से बात करें, लेकिन वहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं, उनकी तकलीफ जाहिर है, वो बता पाएंगे बेहतर कि आज अगर इस उम्र में उन्हें पानी के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो बड़े होकर उनके सामने हालात क्या होंगे। जी सुमित, मैं बच्चे से ही बात करता हूँ कि बेटा पानी की कितनी प्रॉब्लम है, क्या लगता है? प्रॉब्लम है। क्या 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 परेशानियाँ आती हैं? जब मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे मम्मी मुझे पानी वहाँ, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। आप बताओ कितनी परेशानी है? बहुत। किस तरह की? घर में पानी नहीं आता है तो मम्मी सब परेशान रहती कि कपड़ा कैसे धोएंगे, फिर बर्तन कैसे धोएंगे। पानी बर्बाद भी करते हो आप? नहीं। पानी का मोल समझ में आ रहा आता है? कितना कितना प्रेसिस है पानी? बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि बच्चे को भी अब समझ में ये आ रहा है कि पानी कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, हमारे साथ कुछ इस अपार्टमेंट में या कहें कि इसमें फ्लैट लेने वाले कुछ पुरुष सदस्य भी हैं, इनसे बात करते हैं कि जब इन्होंने फ्लैट लिया था तो उसमें इन्हें क्या कुछ बताया गया था, क्या पानी की उसमें क्या स्थिति थी, और कहाँ कहाँ इन्होंने इसकी शिकायत की, और क्या कुछ निदान निकला, क्या कहेंगे? पानी का प्रॉब्लम विद इन 2 साल से है, इससे पहले लेयर था, तो इसका शिकायत हम लोग माननीय यहाँ का जो सीपी सिंह है उनके पास भी गए थे हम लोग, ठीक है, उनको भी एप्लीकेशन दिया, यहाँ पर भी जो उनके उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम इसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुआ नहीं।
लमसम मान के चलिए 25 से 30 हजार रुपया का हम लोग पानी खरीदते हैं पर टैंकर आता है। तो मेरा माननीय जो भी है उनसे निवेदन है, कम से कम अगर मान लीजिए कि हम लोग 5 टैंकर खरीदते हैं तो उसमें 1 टैंकर अनुदान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसा कि सुमित आपने सुना कि 25 से 30 हजार रुपए का कॉस्ट, बिल्कुल 25-30 हजार का कॉस्ट, और ये सोचकर तो वो नहीं आए होंगे, उन्हें भरोसा दिलाया गया होगा कि बेहतर सुविधा होगी। जब भी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट खरीदता है तो तमाम तरह के सपने दिखाए जाते हैं, बेचे जाते हैं सपने, हम यूं कहें, लेकिन आज ये हालात हैं। मिश्रा साहब, टी एन मिश्रा साहब, सवाल ये नहीं कि पुराने दिनों में क्या हुआ और किन गलतियों की वजह से आज हालात हैं और वो कौन जिम्मेदार है उन गलतियों के लिए। अगर जिम्मेदारी की बात है तो जाहिर है सरकार और प्रशासन और लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन मौजूदा हालात में लोग भी एग्जैक्टली बिल्कुल और मौजूदा हालात में लेकिन समाधान के रास्ते क्या हैं और ये रास्ते क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि खोजे वो? सरकार की भी जिम्मेदारी है और लोग को भी जगना होगा इसके लिए। मैंने तो इस मुद्दे पर कई एक अटेम्प्ट किए, प्रयास किए और चीफ सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर से लेकर के आपके आरआर प्रसाद हुआ करते थे एडवाइजर 2010 की बात है, सोन साहब थे डीसी उस टाइम में, उस टाइम ने हमने पूरा सुझाव दिया था कि हम क्या कुछ करें कि पूरे रांची से जो 6-7 नदियां गुजरती हैं, सीजनल हैं, उनको पेरिनियल बना दिया जाए, वो कभी सूखे नहीं, कोई कुआं नहीं सूखे, आपका नलकूपों में चापा नल हो या ट्यूबवेल हो, कभी डिस्चार्ज कम ना हो, तो उसके सारे रास्ते बताए गए थे और उसमें एक्शन स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन बाद में वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अर्जुन मुंडा, यही सरकारी योजनाओं की यही हालत होती है। एक दर्शक तो, है सर, मैं आता हूँ, पंकज है, रांची से ही है। जी पंकज जी, सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि स्मार्ट बनाएंगे? हाँ, स्मार्ट सिटी कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये वाजिब सवाल है। टी एन मिश्रा साहब, स्मार्ट सिटी बनाने की वकालत हो रही है, सपने बेचे जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तब ना जब एक बेसिक नीड, ये हंसी आती है, वाकई हंसी आती है कि पानी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं हंस पड़ा जी। अरे ये इसको एक मुहिम चलाना, एक आंदोलन का रूप देना होगा इसको, इसमें सरकार को भी लगना है। हमने तो मुहिम छेड़ दी है, पब्लिक को भी लगना है, हमने इससे पहले मुहिम छेड़ी थी और हम चाहेंगे लोग साथ आए। हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और सरकार इसमें साथ आए हैं बराबर के लिए। हाँ, तो जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात, नीतियां बन गई, कैबिनेट ने ओके भी कर लिया कि स्टेट का जल नीति जो है बन चुका, बट हाउ अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन? शायद कितने घरों में इम्प्लीमेंट हुआ है सर, आप बेहतर आंकड़ा बता सकते हैं? 100 घरों में भी इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? नहीं, ये तो हम नहीं, मैं यही बता सकता हूँ कि मैं अपने घर में बनवा लिया है 3 साल पहले ही। नहीं सर, ये तो आप जागरूक नागरिक हैं। और बाकी जो है अब जो भी कहा जाए, मैं खुद जागरूक नहीं बल्कि और लोगों को भी जगाते रहता हूँ। बिल्कुल, विजेता है हमारे साथ दुमका से, मेरा भी मकसद यही है सर कि लोग भी जागे और सरकार भी जागे, वरना ऐसे हालात हो जाएंगे कि जल युद्ध, जो शब्द जल युद्ध कहा जाता है, जल युद्ध की नौबत ना आ जाए, हम उस हालात के बारे में पहले से ही सोचें। विजेता जी अपनी बात रखिए। जी, कहना बस इतना ही है कि हम लोग जो वाटर यूज करते हैं, एक एवरेज पर्सन का वाटर कंजम्पशन 135 लीटर करीबन पर डे होता है। अगर टॉयलेट वर्क छोड़ दिया जाए तो करीबन 100 लीटर वाटर हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। अगर जो टॉयलेट वर्क के अलहदा वाटर है, उस वाटर का कंजर्वेशन हम डेली कर लें पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन के हिसाब से अपने अपार्टमेंट के नीचे, तो सभी अपार्टमेंट का वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, समस्या उत्पन्न हो। बिल्कुल, ये एक सुझाव बेहतर है। हम आते हैं आशुतोष आपके पास, आप सीधे लोगों से बात कीजिए कि देखिए सरकार और प्रशासन के पास वो शिकायत करने के लिए जा रहे हैं, सरकार प्रशासन भरोसा दे रही है, सरकार भरोसा दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी भरोसा दे रहे हैं, क्या लोग खुद से कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं और क्या उन उपायों पर भी गौर करने की जरूरत है? जैसे आप वाटर हार्वेस्टिंग की योजना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की,
आप पानी की बचत को लेकर क्या कोई मुहिम छेड़ रहे हैं? ये मुहिम छेड़ने की जरूरत है? जी सुमित, मैं कुछ लोगों से ही बात करता हूं कि जो पानी की जो क्राइसिस है इसको लेकर के अब आगे क्या रणनीति है, कि जिस तरह से क्राइसिस और आगे मतलब इससे क्या सीख ले रहे हैं या क्या कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह कुछ उपाय अपनाने के भी सोच रहे हैं? अभी तो ऐसा क्या होता है, क्या कुछ मतलब ये जो प्रॉब्लम जो आया है तो इससे आगे क्या कुछ मतलब क्या रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से पानी को बचाएं या किस तरह से इसका जो मूल्य है पानी का उसको किस तरह से समझाएं? देखिए, नगर निगम से तो हम लोग बात किए हैं, नगर विकास मंत्री जो है सीपी सिंह वहाँ लेटर गया है, लेकिन अभी हम लोग को पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ठीक है, लोगों से पूछिए कि स्मार्ट सिटी बनाने की योजना अगर होती है और पानी की बिना स्मार्ट सिटी बन जाएगी कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है लेकिन पानी नहीं है, बिना पानी के स्मार्ट सिटी कैसे बने? नहीं, प्लानिंग तो होना चाहिए, स्मार्ट सिटी भी आना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पानी नहीं है तो स्मार्ट सिटी नहीं हो, हम तो चाहते हैं इंडिया डेवलप करे, हमारा विश्व में नाम हो। जस्ट कुछ दिन कल ही जब मैं दिल्ली देखा तो मेरा मन में ये आ रहा था कि लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, ये नहीं आ रहा था कि दिल्ली का सवाल उठता है कि बिना पानी के स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे। ये सवाल तो आपका सही है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था करे गवर्नमेंट, इतनी बड़ी बड़ी सिटियां बन रही है लेकिन उसका पानी लेकिन का क्या आम लोगों की पानी का क्या जिम्मेदारी बनती है कि पानी की बचत करें, पानी को वो बचाएं। सुमित, इन्होंने कहा कि आशुतोष आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पानी को बचाएं, पानी का मूल्य समझें? पानी मिलेगा तब ना पानी बचाएंगे, अभी हम लोग का स्थिति ऐसे हम लोग को पानी नहीं मिलता है, कहीं से भी हम लोग इधर उधर नल में या कहीं रास्ते में जाते हैं, कहीं अगर देखते हैं कहीं किसी घर से एक बूंद गिरता है, हम लोग का मन करता है जाके उन लोग को बोले यार पानी वेस्ट मत कीजिए, हम लोग का ऐसा स्थिति है, आते हैं पानी मिले तब ना बचाए। सोनू है एक और दर्शक देवघर से। जी सोनू जी, अपनी बात रखिए। कॉल कट गया है लेकिन ठीक है, लोगों की जिम्मेदारी है, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? टीएन मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, सवाल है टीएन मिश्रा साहब, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी फिर है क्या? जिम्मेदारी तो प्राइमरी होना चाहिए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, भले उनको सब्सिडी देना पड़े तो दीजिए। अभी पेपर में देखा था कुछ दिन पहले कि निगम बनवाएगा, काहे निगम बनवाएगा, लोग बाग जो तकलीफ में हो खुद बनवाएंगे, जिनको आइडिया चाहिए बनवाने का मैं यहाँ हूँ, उनके साथ हूँ सहयोग करने के लिए, उनका सारा टेक्निक्स मैं दे दूंगा। सर मौजूदा हालात में क्या फिर विकल्प है या फिर प्रशासन भगवान भरोसे छोड़ दे लोगों को? देख नहीं 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 वो नहीं है, एक तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हमने कही, और दूसरा जो जो नदियां बहती हैं रांची होकर के, हाँ जैसे आप जुमार से शुरू करिए कांके के उधर, पोटपोटो हुआ, पंडरा हुआ, हरमू हुआ, सुवर्णरेखा फाइनली हुआ, वो जो उनके कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, छोटे छोटे बोरी बांध से लेकर के स्मॉल चेक डैम, तो वो क्या होगा, ये नदियों में पानी बहुत दिन तक रहे और बगल अगल के जितने इलाके हैं वो सब रिचार्ज होते रहेंगे। हमने रही बात अभी अभी जो क्राइसिस हो रहा है, जो 7 फ्लैटों की बात, अब जो वो आपका बोड़िया में जहाँ आपका कन्फ्लुएंस है पोटपोटो और ये का, वहाँ पर हमने एक सरफेस वाटर रिजर्वायर की बात कही थी और उस टाइम में सुनवाई भी हुई थी, काम भी स्टार्ट, उसका प्लानिंग वगैरह भी होने लगा, बाद में वो ठंडे बस्ते में चला गया, तो वो अगर बना रहता तो देखिए कैपिलरी एक्शन एक्ट बोलते हैं। आपको लगता है सरकार की इच्छा शक्ति, ये जो इच्छा शक्ति में ही कहीं ना कहीं कमी है, वो शायद इस मसले को बेहद गंभीरता से नहीं ले रही, बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है? नहीं 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 ले रही है। मैं सीपी सिंह साहब में हाल फिलहाल वो जो इत्तफाकन, चूंकि हरमू रेनोवेशन का जो जीर्णोद्धार का एक हाई लेवल कमिटी बनी है, संयोग से मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, तो उसमें जो कमियां हैं, जैसे आप हरमू नदी बहने लगे, तो बहने लगे सालों भर
तो उससे क्या है वो तो हमने पूछ लिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी कि बिना पानी के आप क्या सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं और वो उसमें सारो पानी कैसे रहेगा उसका सारा टेक्निक्स जो है लिखते हुए मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया इनको चीफ सेक्रेटरी को भी दिया। सीपी सिंह साहब से दो तीन बार उस मुद्दे पर बातें हुई लेकिन लोग अब कह रहे हैं तब ना बिल्कुल तो ये जो ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ही जरूरी है आशुतोष। और साथ साथ 30 सेकंड में मुझे वहां के लोग से सीधे आप जाइए और मेरे ख्याल से अब इसे आंदोलन के रूप में लेना होगा अगर सरकार नहीं सुन रही है प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है तो। जिसमें भी अपना क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे वहां के लोगों से सीधे पूछिए कि आगे वो क्या करेंगे सरकार बात सुन नहीं रही है प्रशासन सुन नहीं रहा है तो। जी सुमित मैं कुछ लोगों से ही बात करता हूँ थोड़ा सामने आए। अब जब सरकार और प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तो हम लोग के हाथ में तो ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन है जब लग जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग देखेंगे जितना दिन ये लोग इतना झेल पाए वो लोग झेलेंगे और जो लोग फ्लैट लिए हैं वो तो फ्लैट लेके फंस गए हैं उन लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है ऐसे ही झेलना पड़ेगा टैंकर। आप बताइए आप आगे क्या रणनीति है मतलब सरकार प्रशासन नहीं सुन रही तो आगे क्या सोचा है क्या करना है? हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को मतलब ये 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है पर इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं हमेशा टैंकर का ही डिपेंड है जब टैंकर नहीं आती है तब 2-3 दिन तक हम लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं पर इसमें कोई एक्शन हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है जैसा कि सुमित लोगों का कहना है कि एक्शन नजर नहीं आ रहा है एक्शन की जरूरत है। हालांकि लोगों से भी हमारी अपील है कि आप भी जल ही जीवन है अगर ये कहते हैं तो उसकी वैल्यू को समझिए। हम न सिर्फ खुद की परेशानी बढ़ा रहे हैं बल्कि आप अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी की भी परेशानी हम बढ़ा रहे हैं। सोचिए आज ये हालात हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने हालात क्या होंगे। इसलिए बूंद बूंद की कीमत को समझिए। सवाल सरकार और प्रशासन से भी है कि अगर आज हालात रांची वासियों के सामने ये है तो क्या रांची वासियों को हम भगवान भरोसे छोड़ दें? अगर ऐसा है तो फिर सरकार और प्रशासन के होने का मतलब क्या रह जाता है? बहुत शुक्रिया टी.एन. मिश्रा साहब आपका और आशुतोष आपका भी तमाम लोगों से बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि लोग आगे आएं इस मुद्दे पर। पानी अगर सरकार नहीं दिलवा पा रही है तो फिर सरकार के होने का मतलब रह क्या जाता है? पुरवैया मुहिम आप देख रहे थे। नमस्कार।